और खोजा भी उन शिक्षकों को, चुनिंदा शिक्षकों को, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की दृष्टि से, जैसा मुझे बताया गया। मैं भी लोकतांत्रिक व्यवस्था से चुनकर यहां तक आया हूं, लेकिन हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में शुचिता कभी कभी गड़बड़ करती है, लेकिन आपकी लोकतांत्रिक व्यवस्था में शुचिता नहीं बिगड़ी होगी, शुचिता बनी रही होगी, क्योंकि शिक्षा और शिक्षकों की है। ये मेरा मानना है, विश्वास भी है। मित्रों, जैसा मैंने कहा कि शिक्षा मानव जीवन के लिए अति आवश्यक है, लेकिन शिक्षा कैसी हो और फिर शिक्षक कैसा हो, ये दोनों अहम प्रश्न है। एक बार स्वामी विवेकानंद जी से किसी ने प्रश्न किया कि मानव जीवन में शिक्षा की आवश्यकता है या संस्कार, तो स्वामी जी थोड़ी देर मौन रहे और बोले, संस्कार युक्त शिक्षा की आवश्यकता है। और इत्तेफाक से अंग्रेजों का शासन काल आया इस देश में, उससे पहले मुगलों का काल था। शिक्षा क्रमशः संस्कारों से दूर होती चली गई। लॉर्ड मैकाले ने नई शिक्षा पद्धति दी देश को, और सिर्फ पद्धति वो ऐसी थी कि काले अंग्रेज पैदा करती, उनके एजेंट पैदा करती, और वही शिक्षा पद्धति चलती रही, वही शैली चलती रही। बहुत नारे लगे इस देश में कि शिक्षा पद्धति में बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए वाले लोग भी थे और बदलाव होगा ये कहने वाले भी लोग थे, लेकिन चाहिए वालों के पास भी कोई ब्लूप्रिंट नहीं था, ये थोड़ा बहुत था। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नामक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के पास था, मैं चूंकि उससे जुड़ा हुआ रहा हूं इसलिए मुझे मालूम, और जिन्होंने कहा था कि होगा उनके पास तो कुछ था ही। शिक्षा का सौभाग्य आया, इस देश का सौभाग्य आया, इस देश में मोदी जी और योगी जी की सरकार अपना आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा, और जो जॉब प्रोवाइडर समाज की आर्थिक स्थिति मजबूत करेगा, और देश की आर्थिक स्थिति मजबूत करेगा। जॉब सीकर और जॉब प्रोवाइडर का मैं थोड़ा सा बताऊं कि कोई आईआईटी का पढ़ा हुआ छात्र एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटेलिजेंट अमेरिका जाता है, अमेज़न में काम करके उसे बताता है कि कैसे कैसे करना चाहिए, अच्छा पैकेज पाता है, अच्छा पैकेज पा लिया उसने अपने, उसकी पारिवारिक स्थिति अच्छी हो गई, उसकी अच्छी हो गई, लेकिन अमेज़न पूरे विश्व से जब मार्केट उठाता है तो देश की आर्थिक स्थिति मजबूत करता है। तो हमको वो बनना है जिससे देश की आर्थिक स्थिति मजबूत बने, ऐसे छात्र पैदा करने। MDH मसाले वालों को आप लोग जानते होंगे नाम, दादाजी का क्या कहते हैं महाशय जी, उसको देखा, उनको देखा होगा आप लोगों ने, एक तांगा चलाते थे, तांगा चला के उन्होंने अपने जीवन यापन शुरू किया था। लेकिन तांगा चलाने के बाद उन्होंने कहा, तांगा चलाने से मेरी जीविका बन जाएगी, ज्यादा ज्यादा परिवार की भरण पोषण कर लूंगा। कुछ करने की हिम्मत जुटाई उन्होंने, और वो किया कि लाखों लोगों को रोजगार दिया, देश को एक अच्छा प्रोडक्ट दिया, और देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया। तो वो हिम्मत पैदा हो छात्रों के अंदर, इसके लिए जिम्मेदारी आपकी है, सरकार आप लोगों की। JP बहुत बड़ा नाम है हिंदुस्तान में, आगरा के कॉलेज में एक लेक्चरर हुआ करते थे JP गौर, हम छात्र जीवन में उस कॉलेज में जाते थे, और उसके बाद आज
जेपी बहुत बड़ा नाम है इस देश का, यानी कितने लोग उनके यहाँ नौकरी करते हैं। जब लेक्चरर बन गए थे, जॉब सीकर थे, आज जॉब प्रोवाइडर है, राष्ट्र की सेवा हो रही है। तो आप लोग वो है जो वो जज्बा पैदा कर सकते हैं छात्रों के अंदर जो जॉब प्रोवाइडर बनाए, यह है गुरु का काम। जिस तरह रास्ते के पत्थर का कोई महत्व नहीं होता, कोई अर्थ नहीं होता,